तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अप्रैल माह का दूसरे सप्ताह का करंट अफेयर्स, यानी कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कई परियोजनाओं की शुरुआत की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य में कई परियोजनाओं की शुरुआत की। अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा पर बीजापुर में ग्राम स्वराज अभियान और आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय ने किस बैंक को एटीएम में कैश की कमी की समस्या का समाधान निकालने का आदेश दिया है? तो वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को कैश की कमी की समस्या का समाधान निकालने का आदेश दिया है। देश के कई इलाकों में एटीएम में कैश की किल्लत को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को एटीएम में कैश की कमी की समस्या का समाधान निकालने का आदेश दिया है, जबकि एटीएम में कैश भरने के लिए बैंकों को पर्याप्त कैश उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी कि वित्त मंत्रालय ने आदेश दिया है आरबीआई को कि एटीएम में जो कैश की किल्लत है, किसकी कमी के कारण यह किल्लत है, इसका समाधान जल्दी से जल्द किया जाए। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार बॉक्सर एमसी मेरी कॉम ने 48 किलोग्राम वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? तो स्टार बॉक्सर एमसी मेरी कॉम ने 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कॉमनवेल्थ गेम जो हुए हैं ये 21वें हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम। 21वें कॉमनवेल्थ गेम में भारत की स्टार बॉक्सर एमसी मेरी कॉम ने 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड की क्रिस्टीना ओहरा को 5-0 से हराया है। यानी कि एमसी मेरी कॉम ने नॉर्दर्न आयरलैंड की क्रिस्टीना ओहरा को 5-0 से हराकर ये गोल्ड मेडल जीता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? तो 65वें पुरस्कारों में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया श्रीदेवी को। हाल ही में 65वें राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई, इसमें इस साल राष्ट्रीय पुरस्कारों में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी को दिया गया और दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिवंगत एक्टर विनोद खन्ना को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बैंक ने उदारीकृत प्रेषण योजना के नियमों को कड़ा किया है? तो आरबीआई बैंक ने उदारीकृत प्रेषण योजनाओं के नियमों को कड़ा किया है। हाल ही में आरबीआई ने देश से बाहर धन भेजने की उदारीकृत प्रेषण योजना की जानकारी देने के नियमों को और कड़ा कर दिया है। इस योजना के तहत कोई व्यक्ति एक वर्ष से $2.5 लाख तक विदेश भेज सकता है। इस योजना से संबंधित यह है कि कोई भी व्यक्ति एक वर्ष से $2.5 लाख तक विदेश में भेज सकता है। यह भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बोर्ड में इंटर के रिजल्ट से पहले 4.69 लाख छात्र फेल हो गए हैं? यूपी बोर्ड में 4.69 लाख छात्र फेल हो गए इंटर के रिजल्ट निकलने से पहले, 4.69 लाख छात्र जो कि फेल हो गए हैं। हाल ही में यूपी बोर्ड के द्वारा इंटर के रिजल्ट घोषित होने से पहले ही 4,69,279 छात्र फेल हो गए हैं। यानी कि इसमें जो कुल छात्र फेल हुए हैं उनमें से तो छात्रों की संख्या कुल है 4,69,289 छात्र फेल हो गए हैं, क्योंकि इन छात्रों ने बोर्ड परीक्षा बीच में ही परीक्षा छोड़ दी थी। बोर्ड के नियमों के मुताबिक इंटर में एक विषय में फेल होने पर परीक्षार्थी फेल माना जाता है। यानी कि इसमें अगर एक सब्जेक्ट में अगर कोई विद्यार्थी अगर फेल है तो उस विद्यार्थी को फेल माना जाएगा। और कितने छात्र फेल हुए आपको याद रखना है,
4,69,289 छात्र फेल हुए हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राज्यसभा के नए कार्यकाल की शपथ ली है? तो अरुण जेटली ने राज्यसभा के नए कार्यकाल के रूप में शपथ ली है। हाल ही में राज्यसभा के 6 साल के नए कार्यकाल के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शपथ ली है। 65 वर्षीय जेटली हाल ही में उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुए थे, यानी कि 6 साल के नए कार्यकाल में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शपथ ली है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत 3रे स्थान पर रहा है। आपको ये याद करना है कि भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में 3रे स्थान पर रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत ने कुल 66 मेडल अपने नाम किए, यानी कि 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 66 मेडल अपने नाम किए। भारतीय खिलाड़ियों ने 26 गोल्ड, 20 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और पदक तालिका में भारत 3रे स्थान पर है। यानी कि कुल जो 66 मेडल जीते इन्होंने अपने नाम किए, जिसमें से 26 गोल्ड हैं, 20 सिल्वर हैं और 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइना नेहवाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में कौन सा मेडल जीता है? तो साइना नेहवाल ने गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ 2018 में गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में साइना नेहवाल ने गोल्ड मेडल जीता है। आखिरी मुकाबला भारत की साइना नेहवाल पीवी सिद्धू के बीच खेला गया था, जिसमें साइना ने सिद्धू को 2-1 से 18-23-21 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके साथ साइना राष्ट्रमंडल खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई, यानी कि साइना नेहवाल जो कि 2 स्वर्ण जीतने वाली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टेलीकॉम कंपनी ने जापानी बैंकों से लगभग 3,248 करोड़ रुपए जुटाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जियो ने हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो ने जापान के विभिन्न बैंकों से टर्म लोन के रूप में 3,250 करोड़ रुपए जुटाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि टेलीकॉम कंपनी वो है जियो। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक में 621 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है? तो यूको बैंक में 621 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के बाद यूको बैंक के पूर्व सीएमडी के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने आरोपियों के साथ मिलकर बैंक की 621 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है, जिससे कारोबार में यूको बैंक का स्टॉक एनएसई में 18% टूटकर 12 साल के निचले स्तर पर आ गया है। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में सड़क हादसों को देखते हुए यूएनए ने किस फंड की शुरुआत की है? तो सड़क सुरक्षा ट्रस्ट फंड की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र यूएनए की उप महासचिव अमीना मोहम्मद ने हाल ही में विश्व भर में, खासकर भारत और कनाडा में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क सुरक्षा ट्रस्ट फंड की शुरुआत की है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितने राज्यों में ई वे बिल प्रणाली में लागू की गई? तो कुल 5 राज्यों में ई वे बिल प्रणाली लागू की गई। हाल ही में राज्यों के बीच आपसी माल परिवहन के बीच बनाई गई ई वे बिल प्रणाली को 5 राज्यों में आरंभ की गई। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITCDC को किस राज्य में विकास परियोजना के मंजूरी मिली है? तो ITDC को आंध्र प्रदेश राज्य में विकास परियोजना की मंजूरी मिली है। भारत पर्यटन विकास नगर विकास निगम ITCDC ने 550 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के कौनिकंडा में भैरव लंका में 1 मेगा पर्यटन गौतम परियोजना के विकास के लिए हैदराबाद स्थित कंपनी मेसर सूरास इंपैक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, वो है आंध्र प्रदेश। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने आंकड़े जुटाने के लिए सेट ऑफ बॉक्स में चिप लगाने का आदेश दिया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चिप सेट ऑफ बॉक्स में चिप लगाने का आदेश दिया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए प्रस्ताव के मुताबिक टीवी में लगने वाले नए सेटॉप बॉक्स में एक चिप लगाई जाएगी, जिससे कि टीवी दर्शकों को सही संख्या का पता लग सकेगा। यानी कि इसे आपको सही संख्या का पता लग सकेगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोडा आइडिया को मर्जर से पहले कितने कर्मचारियों को निकाल सकती है? तो कुल 5,000 कर्मचारियों को निकाल सकती है। दो बड़ी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर वोडाफोन और आइडिया के विलय से कंपनी के 5,000 कर्मचारियों को निकाल सकती है। सूत्रों से पता चला है कि कंपनियां अपने 5,000 कर्मचारियों की छटनी कर सकती है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था का 2018-19 में कितने फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 7.3% का अनुमान बढ़ने का अनुमान लगाया है। हाल ही में विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था का 2018-19 में 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संस्था ने कहा है कि भारत को हर साल 81,00,000 नई नौकरियों की जरूरत होगी। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस लिमिटेड बाजार पूंजीकरण 1,000 अरब रुपए के पार हो गया? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का बाजार पूंजीकरण 1,000 अरब रुपए के पार हो गया। हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा का बाजार पूंजीकरण 1,000 अरब रुपए के पार हो गया। बंबई शेयर बाजार पर महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर की कीमत 52 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा पेमेंट बैंक फॉरेन एक्सचेंज और मनी ट्रांसफर सर्विस शुरू करने के लिए जा रहा है? तो वो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो कि फॉरेन एक्सचेंज और मनी ट्रांसफर सर्विस शुरू करने के लिए जा रहा है। हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहकों को सेविंग्स और वेल्थ मैनेजमेंट की सुविधा देने के बाद अब फॉरेन एक्सचेंज और मनी ट्रांसफर सर्विस शुरू करने के लिए जा रहा है। पेटीएम ने यह कदम SBI के सहयोग से उठाया है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPFO में अब कितने लाख रुपए तक के ऑफलाइन क्लेम भी स्वीकार किए जाएंगे? तो 10,00,000 क्लेम स्वीकार किए जाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने हाल ही में फैसला लिया है कि अब 10,00,000 रुपए तक के दावे ऑफलाइन फिजिकल फॉर्म के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। EFPO ने पुराने सर्कुलर में EPFO ने ऑफिसेज को आदेश दिया है कि 10,00,000 रुपए तक के ऑफलाइन क्लेम ही स्वीकार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने गैस विनिमय बाजार शुरू करने की योजना बनाई है? तो भारत सरकार ने योजना बनाई है। प्राकृतिक गैस की खरीद फरोख्त के लिए भारत सरकार ने अब अक्टूबर तक एक बड़ा एक्सचेंज गैस विनिमय बाजार शुरू करने की योजना बनाई है। यह इसमें भारतीय गैस का एक मानक मूल्य तय हो सकेगा और इसकी खपत को बढ़ावा भी मिल सकेगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बैंक देश का दूसरा बड़ा बैंक बन गया? तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि दूसरा बड़ा बैंक बन गया है, देश का दूसरा बैंक सबसे बड़ा बैंक बन गया है। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक बाजार पूंजीकरण के लिहाज से अब देश का दूसरा बड़ा बैंक बन गया है। इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तीसरे स्थान पर आ गया, क्योंकि स्टेट बैंक के शेयर में गिरावट आई है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अमरनाथ गुफा को साइलेंस जोन घोषित करने के आदेश पर रोक लगाई है? तो सुप्रीम कोर्ट ने साइलेंस जोन घोषित करने के आदेश पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अमरनाथ गुफा को साइलेंस जोन घोषित करने के आदेश पर रोक लगाई है। अमरनाथ गुफा को साइलेंस जोन घोषित किया गया था। जस्टिस मदन बी लुकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने NGT के फैसले के खिलाफ अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की थी। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की 1,052 हेरिटेज साइट्स में भारत में कुल कितनी हेरिटेज साइट्स हैं? तो कुल 36 हेरिटेज साइटें हैं। आंसर हो जाएगा का आपका। इंटरनेशनल डे और मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स या वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 2018 के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का थीम हेरिटेज और जनरेशन है। दुनिया भर में 1,052 हेरिटेज साइट हैं, जिनमें से 36 भारत में हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ई कॉमर्स कंपनी और एसस ने की पार्टनरशिप की घोषणा की है। तो किसके साथ की है पार्टनरशिप की घोषणा? फ्लिपकार्ट के साथ। भारत की ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी
ASUS ने दीर्घकालिक भागीदारी की घोषणा की, जिसके तहत फ्लिपकार्ट और ऐश की प्रमुख भागीदार और कंपनी के स्मार्टफोन की विक्रेता होगी, जिसे भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 के दौरान ग्रोथ के मामले में भारत किस देश को पछाड़ देगा? तो 2018 ग्रोथ के मामले में भारत चीन को पछाड़ देगा। वर्ष 2018 के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% हो सकती है। उसके अगले वर्ष 2019 में 7.8% रहने का अनुमान है। इस अनुमान के मुताबिक भारत चीन को पछाड़ देगा, जो कि इन सालों में क्रमशः 6.6 और 6.4 रह सकती है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो वो हैं विराट कोहली, जो कि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। हाल ही में विराट कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को पीछे छोड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत का सबसे भरोसेमंद ब्रांड घोषित किया गया? तो सैमसंग को सबसे भारत का सबसे भरोसेमंद ब्रांड घोषित किया गया। हाल ही में साउथ कोरिया की कंज्यूजर डेरिवेल्स कंपनी सैमसंग भारत का सबसे भरोसेमंद ब्रांड घोषित किया गया है। इसके बाद सोनी और एलजी का नंबर आता है। वहीं टॉप 5 ब्रांड्स में टाटा ग्रुप एकमात्र भारतीय कंपनी के तौर पर मौजूद है। आपको याद रखना है कि ये सैमसंग जो कंपनी है ये साउथ कोरिया की कंपनी है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की शुल्क नीति पर चीन से कौन सा देश बात करेगा? तो शुल्क नीति पर अमेरिका देश चीन से बात करेगा। अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन WHO को कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा इस्पात, एल्यूमिनियम और चीन से आयातित अन्य सामानों पर लगाए गए शुल्क के मुद्दे पर वह चीन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति ने समय से पहले चुनाव की घोषणा की है? तो तुर्की के राष्ट्रपति ने समय से पहले चुनाव की घोषणा की है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने मात्र एक वर्ष से अधिक समय पहले चुनाव की घोषणा की है। तुर्की में अब संसदीय और राष्ट्रपति के चुनाव 24 जून को होंगे। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिगेल डियास कनेल को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो मिगेल डियास को कनेल को क्यूबा का राष्ट्रपति चुना गया। क्यूबा देश की संसद ने मिगेल डियास कनेल को अपने देश का नया राष्ट्रपति चुना है। मिगेल डियास कनेल अब राष्ट्रपति राउल कास्त्रो का स्थान लेंगे, यानी कि जो स्थान ये लेंगे राष्ट्रपति राउल कास्त्रो का स्थान लेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी तिमाही किस बैंक का मुनाफा 26% तक बढ़ गया है? तो इट साइड बैंक का मुनाफा जो कि 26% बढ़ गया है। चौथी तिमाही में इटसाइड बैंक का मुनाफा 26% तक बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2017-18 की आखिरी तिमाही के परिणाम के अनुसार वार्षिक मुनाफा बढ़कर 953 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउनलोडिंग स्पीड के मामले में किस कंपनी ने जियो और वोडाफोन को पीछे छोड़ दिया है? तो एयरटेल ने जियो और वोडाफोन को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ओपन सिंगल्स द्वारा दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एयरटेल 4G डाउनलोड स्पीड के मामले में पूरे देश का सबसे तेज नेटवर्क है। इस रिपोर्ट के अनुसार एयरटेल की 4G डाउनलोड स्पीड 9.31 Mbps है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने 2 MB से कम साइज का ब्राउजर लॉन्च किया है? तो अमेज़न ने 2 MB से कम साइज का ब्राउजर लॉन्च किया है। हाल ही में अमेज़न ने एंड्रॉयड डिवाइस के 2 MB से कम साइज का ब्राउजर लॉन्च किया है। अमेज़न ने इस ब्राउजर का नाम इंटरनेट फास्ट लाइट एंड प्राइवेट रखा है, यानी कि इसका नाम जो है इंटरनेट फास्ट लाइट एंड प्राइवेट इसका नाम है। इस ब्राउजर को कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल में फ्री में गूगल व प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने 1 मई से किस देश के राजनयिकों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1 मई से पाकिस्तान देश के राजनयिकों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तानी राजनयिकों पर यात्रा प्रतिबंधों के बारे में अमेरिका ने आधिकारिक सूचना दी है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश में 35 साल बाद सिनेमाघर में पहली बार फिल्म दिखाई गई है? तो सऊदी अरब में 35 साल बाद सिनेमाघर में पहली बार फिल्म दिखाई गई है। 35 वर्षों के लंबे समय बाद हाल ही में सऊदी अरब में पहली बार किसी सिनेमाघर में कोई फिल्म दिखाई गई है। यह दिन हर नागरिक के लिए एक ऐतिहासिक तारीख बन गया है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ फंड में किस देश ने 20 लाख पाउंड दिए हैं? तो भारत ने कॉमनवेल्थ फंड में भारत ने 20 लाख पाउंड दिए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। मोदी ने भारत की ओर से फैसला लेते हुए कहा है कि भारत की ओर से कॉमनवेल्थ फंड से 20 लाख पाउंड का तकनीकी सहयोग के लिए दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? तो एशिया के अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी को 24वां स्थान मिला है। हाल ही में जारी की गई एशिया के अमीरों की लिस्ट में बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को फॉर्च्यून की 50 मशहूर हस्तियों की लिस्ट में 24वां स्थान मिला है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI ने कैश की किल्लत को खत्म करने के लिए कितनी लाख POS मशीनें लगाई हैं? तो SBI ने कैश की किल्लत को खत्म करने के लिए 4.78 लाख POS मशीनें लगाई हैं। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने देश में कैश की कमी को दूर करने के लिए 4.78 लाख पॉइंट्स ऑफ सेल्स टर्मिनल्स POS मशीनें लगाई हैं। SBI के पास देश भर में 6.08 लाख POS मशीनें हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने किस बैंक को लंदन सिंगापुर में कार्यालय खोलने की अनुमति दी है? तो RBI ने एस बैंक को लंदन और सिंगापुर में कार्यालय खोलने की अनुमति दी है। देश के सबसे बड़े बैंक RBI ने यस बैंक को सिंगापुर और लंदन में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी है। सिंगापुर और लंदन में भारतीय समुदाय के कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता मिलेगी। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने किस बैंक को बिजनेस गतिविधियों पर रोक लगाई है? तो RBI ने सिटी कोऑपरेटिव बैंक को बिजनेस गतिविधियों पर रोक लगाई है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने मुंबई में स्थित सिटी कोऑपरेटिव बैंक की बिजनेस गतिविधियों पर पाबंदी लगाई है। RBI के अनुसार अब सिटी कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अपने खाते से 1,000 रुपये तक ही निकाल सकेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने एवर रेडी, पैनासोनिक और निस्पो पर 372 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 44वें क्वेश्चन का आंसर होगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने निस्पो पर 372 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और क्यों लगाया है? जिंक कार्बन ड्राई सेल बैटरी की कीमतों के निर्धारण के लिए सांठगांठ करने के मामले में एवर रेडी, पैनासोनिक और निस्पो पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 372 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को आज का ये करंट अफेयर्स कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।